दीपावली का सीजन पास में है और इस बार खुशखबरी बच्चों के लिए यह है कि फटाकों के बाजार में जो उनके दाम हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ है। दाम वही है जो पिछले वर्ष भी रहे हैं, सामान्यतः किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। हाँ, ये बात अलग है कि फटाकों की रेंज, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, रेंज बढ़ गई है। अलग अलग तरीके के फटाके आ गए हैं, नए नए तरीके के फटाके आए हैं। दुकान के संचालक है छिंदवाड़ा की, ये प्रसिद्ध रवि फटाका सेंटर है, ये दुकान है जो अपना नाम रखती है यहाँ पर। हम वहाँ पर उस समय उपस्थित है, जानकारी लेते हैं किस तरीके के नए फटाके हैं जो इस बार देखने को मिलेंगे। ये सारे नए प्रकार के पटाखे हैं, जैसे क्रैकलिंग वाले हैं, कलरफुल वाले हैं, और जो लड़ियाँ होती है कम साउंड वाली होती है, ये सारे मतलब कलरफुल अनार हैं, रॉकेट्स हैं, मल्टी शॉट्स हैं। तो महंगाई को लेकर के क्या दिख रहा है आपको, इस बार कुछ महंगाई का असर हुआ है पटाखों में या नॉर्मल जो दाम है पिछली बार की तरह? पटाखे का रेट लगभग वही है, कुछ ज़्यादा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। और पटाखे का मार्केट अभी फिलहाल तो थोड़ा वो है, फिर बढ़ेगा बाद में। तो ये समझ में आ रहा है कि वर्तमान में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग होनी है, तो अभी कुछ बाजार ठंडा है, बोले एकदम से लास्ट के 2-3 दिनों में उठेगा बाजार? वो बाजार वो आखिर के 2-3 दिन में ही उठेगा, क्योंकि अभी सारे लोग अपने कामों में भी लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, सब ड्यूटी में लगी है सबकी, वो उसकी वजह से। ये अभी आगामी समय में जैसे अभी चुनाव है, तो ऐसे कोई राहुल गांधी फटाका, मोदी बम, ऐसे कुछ आए हैं क्या? ये चुनाव अपना इस समय निर्धारित हुआ है, अगर ये पहले से तय रहता है तो ये सारे फटाके उपलब्ध होते, ये पतंग के सीजनों में चल जाता है। ये फटाकों में नहीं चलता। तो ये था कि फटाके बहुत सारे आए हैं, रेंज यहाँ बहुत सारी आपको देखने के लिए मिलेगी। हम इस समय दुकान देखने के लिए आए थे तो यहाँ पर बताया कि जिस तरीके की महंगाई नहीं है, महंगाई का कोई असर नहीं है इस बार फटाकों के लिए, तो थोक और चिल्लर विक्रेता यहाँ पर उपस्थित है, लाइन है सीवनी रोड पर। हम जिस समय देखने के लिए आए तो यहाँ पर पूरे व्यवसायियों ने अपनी दुकानें सजा दी है। हालांकि उनका कहना यह है कि अभी माहौल ठंडा है, आगामी समय में त्योहार के समीप ही बाजार में गर्मी देखने को मिलेगी। तो देवेंद्र ठाकुर, MP की बात के लिए।